हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है फाइटोफथोरा। फाइटोफथोरा एक टाइप का फंगी है। तो जो फाइटोफथोरा है उसका लिटरली मींस होता है प्लांट डिस्ट्रॉयर, मतलब प्लांट को ख़त्म करने वाला। ठीक है, एक तरह का ऐसा फंगस है जो कि प्लांट की बहुत सारी स्पीसीज को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसकी अभी तक 100 to 500 स्पीसीज जो हैं वो एग्जिस्ट हो चुकी हैं। ठीक है, और ये जैसे ओरिजिनेट कहाँ से हुए, अगर हम इनके ओरिजिनेट की बात करें तो सेंट्रल वैली ऑफ मैक्सिको एंड न्यूयॉर्क में और फिलाडेल्फिया अर्ली एज में 1843 में इनको डिस्कवर किया गया था और फर्स्टली इंट्रोड्यूस किए गए थे इंडिया में 1880 में। ये मोस्टली कॉज करते हैं सीजनिंग ऑफ वेजिटेबल्स एंड ऑर्नामेंटल टू फुली डेवलप फ्रूट्स एंड फॉरेस्ट्रीज, यानी जो फ्रूट्स या फॉरेस्ट्रीज होते हैं उसको फुली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, जैसे पोटैटो का दिखाया गया है एंड टमाटो का दिखाया गया है, ऐसे ही ये रूट स्टेम और बहुत सारे एक तरह से सीजलिंग कॉज करते हैं। ठीक है, और इनकी बहुत सारी स्पीसीज हैं जिसे रूट रॉट कहते हैं, डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग कहते हैं और स्टेम रॉट कहते हैं, ट्यूबर रॉट, लीफ ब्लाइट। और ये मोस्टली फाउंड होते हैं कहाँ पर, जहाँ पर वेट सॉइल पाई जाती है और लू टेम्परेचर होता है काफ़ी, 15 to 25 डिग्री सेल्सियस होता है, वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इनका क्लासिफिकेशन, हैबिट एंड हैबिटेट, यानी इनका एनवायरनमेंट किस तरह से होता है और इनका मोड ऑफ इन्फेक्शन किस तरह से होता है, स्ट्रक्चर, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर को देखेंगे एंड रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उन सभी चीज़ों को देखेंगे, फर्टिलाइजेशन एंड जर्मिनेशन, बाकी सब थिंग्स देखेंगे और इनका किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं वो भी एक एक्स्ट्रा टॉपिक है इसमें। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइटोफथोरा। तो डियर, अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये किंगडम क्रोमिस्टा से बिलोंग करते हैं, फाइलम उमाइकोटा होता है और ऑर्डर पर्नोस्पोरेल्स होता है, फैमिली पर्नोस्पोरेसी होता है, जीनस फाइटोफथोरा होता है, जीनस इज अ कॉमन नेम एंड एक डी वेरी नाम के साइंटिस्ट था जिन्होंने 1876 में ये क्लासिफिकेशन दिया था। और एक बात होती है कि अगर आपको किसी के जनरल कैरेक्टर्स जानने हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के या किसी भी जनरल थिंग के, किसी भी प्लांट के, किसी भी फंजाई के, किसी भी एल्गी के, तो आप जाकर के उसकी फैमिली, जो जैसे इसमें पर्नोस्पोरेसी है एंड ऑर्डर पर्नोस्पोरेल्स है या फाइलम ओमाइकोटा है, अगर आप इनके जनरल कैरेक्टर्स या जनरल फीचर्स स्टडी करते हैं तो आपको इनसे रिलेटेड, इनमें रखे गए जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी के बारे में अच्छे से पता चलने लगता है। ओके, तो आप जाकर के इसको पूरा जो गूगल है उससे जाकर के सर्च कर सकते हैं और जान सकते हैं इसके बारे में। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो डियर, अब हम डिस्कस करेंगे हैबिटेट ऑफ फाइटोफथोरा। तो अगर हम फाइटोफथोरा वर्ड की बात करें तो ये ग्रीक वर्ड है, जैसा कि आपको इसमें भी दिख रहा होगा, जो कि दो वर्ड से मिलकर के बना है, एक होता है फाइटन और एक होता है फथोरा। ठीक है, पी एच साइलेंट रहता है, पी साइलेंट। तो फाइटन का मतलब है प्लांट एंड थोरा का मीन्स है डिस्ट्रक्शन। तो मीन्स होता है फाइटोफथोरा का कि जो कि प्लांट का डिस्ट्रॉय करे या प्लांट डिस्ट्रॉयर। इसकी अभी तक 48 स्पीसीज रिप्रेजेंट की गई है, वाटर हाउस ने बताया था 1973 में, जो कि अगर हम इनके नेचर की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। इसका मीन्स है कि ये एवरीवेयर फाउंड होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। कुछ इनके स्पीसीज होती हैं जो कि अटैक करती हैं हायर प्लांट पे, मोस्ट ऑफ द स्पीसीज अटैक हायर प्लांट। ठीक है, मोस्टली एंजियोस्पर्म के ऊपर, और डिसीज कॉज करते हैं, काफ़ी बुरा डिसीज कॉज करते हैं और हार्मफुल होता है। और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस के वे से भी अगर हम देखें तो उसके लिए भी हार्मफुल होता है, जैसे पोटैटो हो गया, ब्लाइट पोटैटो कहते हैं इसे तो। और ये देखिए टमाटो में हो गया, ये लीफ वगैरह में, इधर रॉड्स रूट्स एंड स्टेम्स में होगा, तो ये लेट ब्लाइट डिसीज़ है। तो इसमें क्या होता है कि काफ़ी हद तक, या इकोनॉमिकली बात करें तो काफ़ी इसका हार्म हो जाता है वेजिटेबल्स ईटीसी का, तो जिससे हमारे इकोनॉमिक जो कल्चर है या सिग्निफिकेंस है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो इसीलिए इकोनॉमिकली ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है।
तो टियर इन में जो सबसे कॉमन स्पीसीज है फाइटोप्थोरा की, वो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस है. वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड वेल नोन स्पीसीज ऑफ फाइटोप्थोरा इज फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, जो कि लेट ब्लाइट डिसीज पोटैटो और पोटैटो ब्लाइट डिसीज कॉज करता है. और डियर अगर हम इनके ग्रोथ की बात करें तो ये 20-23 डिग्री सेल्सियस में या 15-23 भी बोल सकते हैं डिग्री सेल्सियस में लो टेम्परेचर में, और जहाँ पर काफ़ी मॉइस्ट प्लेस हो, जहाँ पर नमी ज़्यादा पाई जाती हो, वहाँ पर ये ग्रोथ करते हैं. यानी वहाँ पर एक्सेस ऑफ वाटर होना चाहिए यहाँ पर, देखिए. एंड एक्सेस ऑफ वाटर फेवर्स द ग्रोथ ऑफ दिस फंगस. ओके सॉरी डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा कोल्ड है मुझे, ठीक है. इंडिया में क्या है, जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस है वो रिपोर्टेड किया गया नीलगिरी हिल्स और दार्जिलिंग से. यानी मोस्टली जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको पाया जो नीलगिरी हिल्स हैं हमारे एंड दार्जिलिंग का जो एरिया है वहाँ पर, ठीक है. और ये पीरियडिकली अगर हम बात करें तो काफ़ी जो प्लेन्स होते हैं नॉर्थन इंडिया का जो प्लेस है वहाँ पर जो जगह पाई जाती है वहाँ पर ये फाउंड होते हैं, ठीक है. और एंडो गैंगेटिक प्लेन्स में कॉज करते हैं ब्लाइट ऑफ कोलोकेशिया एंटिकोरम. यानी ये जो डिसीज कॉज करते हैं अरबी वगैरह में और भी बहुत सारे ये स्पीसीज हैं, ठीक है, जैसे क्रूसीफर्स में भी, तो उनमें ये कॉज करते हैं जो डिसीज, उसे हम कॉमनली कोलोकेशिया एंटिकोरम कहते हैं, ठीक है, जो कि फाइटोप्थोरा कोलोकेशिया के द्वारा कॉज की जाती है बाय फाइटोप्थोरा कोलोकेसी, ठीक है. आपको ध्यान रखना है कि फाइटोप्थोरा कोलोकेसी के थ्रू कोलोकेसिया एंटिगोरम नाम का स्पीसीज कॉज होता है, डिसीज कॉज होता है. ओके तो डियर अब हम जानेंगे सिम्टम्स ऑफ फाइटोप्थोरा. अगर हम इनके सिम्टम्स की बात करें तो ये ब्लैक और पर्पलिश कलर को शो करते हैं जो मार्जिन्स होते हैं या टिप्स होते हैं लीव्स पे उन पे. तो द डिसीज अपीयर्स एज स्मॉल ब्लैक और पर्पलिश ब्लैक एरियाज एट द मार्जिन्स एट द टिप्स ऑफ द लीफ. ओके तो क्या होता है, ये जो पैचेस होते हैं ग्रेजुअली इनलार्ज होते हैं और इंटायर क्राउन यानी जो पूरा उसका क्राउन होता है लीफ का वहाँ पर फैल जाते हैं. और लीफ क्या होता है, वो रॉट हो जाता है. रॉट का मतलब है ख़राब हो जाता है. अब क्या होता है, जब फेवरेबल कंडीशन आते हैं तो जो होस्ट है, होस्ट के जो पार्ट्स हैं वो ब्राउन कलर में टर्न होने लगते हैं और इसी ही प्रोसेस को हम रॉटनिंग कहते हैं. यहाँ पे कुछ स्पीसीज बताए मैंने, उससे कॉजल डिसीजेस को भी बताया, तो चलिए एक बार हम डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहला है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, जिसके थ्रू लेट ब्लाइट डिसीज ऑफ पोटैटो कॉज होता है. फिर है फाइटोप्थोरा एरेसी, जिससे कॉलेरोगा डिसीज एरेका प्लांट्स में कॉज होता है. फिर है फाइटोप्थोरा कोलोकेसी, जिससे ब्लाइट ऑफ कोलोकेसिया कॉज होता है. देन है फाइटोप्थोरा पैरासाइटिका, जिससे फुट रॉट एंड लीव ब्लाइट ऑफ पाइपर बीटल पैन जिसे बोलते हैं, सीडलिंग ब्लाइट जो कैस्टर है उसका सीडलिंग ब्लाइट यानी सीडलिंग ब्लाइट ऑफ कैस्टर एंड लीव ब्लाइट ऑफ सेसेमम इंडिकम, ठीक है. इसे हम तिल भी बोल, तिल के अंदर भी बोल सकते हैं. यानी जो तिल होता है उसे सेसेमम इंडिकम बोलते हैं, तो उसका भी एक तरह से लीव ब्लाइट का डिसीज कॉज करते हैं. कौन करता है, फाइटोप्थोरा पैरासाइटिका करता है. देन अगला है फाइटोप्थोरा निकोटिनी, ये क्या करता है कि जो निकोटिन्स है यानी जैसे टोबैको हो गया, उनमें ब्लैक शंक ऑफ निकोटिना डिसीज को कॉज करते हैं, ठीक है. ध्यान रखना है आपको कौन सा, ब्लैक शंक ऑफ निकोटिना, ठीक है. फिर है अगला फाइटोप्थोरा पल्मिवोरा, जो कि कॉज करता है गोमैसिस ऑफ सिट्रस एंड बर्ड रॉट ऑफ पाम से, यानी जो पाम ट्रीज होते हैं उसमें डिसीज कॉज करता है, जिसे हम गोमैसिस ऑफ सिट्रस एंड बर्ड रॉट कहते हैं. फिर है फाइटोप्थोरा कैक्टोरम, जो कि रूट रॉट डैम्पिंग ऑफ एंड फ्रूट रॉट 40 से ज़्यादा स्पीसीज होती है एंजियोस्पर्म की, उनमें कॉज करता है, ठीक है. अच्छा डियर, जैसा कि मैंने बताया था कि ये मॉइस्ट प्लेसेस पे ग्रोथ करते हैं, ठीक है. तो जहाँ पर ये ग्रोथ करते हैं वहाँ पे अगर सॉइल ज़्यादा मॉइस्ट है, ट्यूबर्स जो हैं वो अफेक्टेड होते हैं. और
अफेक्टेड होने के साथ साथ कंप्लीटली रॉट भी हो जाते हैं. देखिए, इफ द सॉइल इज वेरी मॉइस्ट, ट्यूबर्स आर ऑल्सो अफेक्टेड एंड मे रॉट कम्प्लीटली. ठीक है, और जो कोलोकेसिया एंटोकेरम है उनमें लार्ज सर्कुलर और ओवल इरेगुलर येलोइश ब्राउन एरिया अपेयर कर लेते हैं लीव्स के ऊपर. यहाँ पे देखिए मैंने डायग्राम को शो किया है. ठीक है, और ड्रॉप एक ड्रॉप की तरह या पैच की तरह येलो कलर में वहाँ पे लीफ के सरफेस पे क्रॉस करते हैं. ओवल स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ डायग्राम में. ठीक है, और बहुत सारे इन्फेक्शन भी क्रॉस करते हैं. ठीक है, और इसे हम रॉटनिंग ऑफ कॉम्स बोलते हैं. जैसे ये जो पूरा ऊपर ये दिख रहा है ये फंगस है, फंगस का थैलस है जो कि ये पूरी इसकी जो लीफ है उसके ऊपर डाल रहा है, फैला रहा है, अटैच कर रहा है हॉस्टूरियम से. ठीक है, तो क्या होता है कि ये ओवल स्ट्रक्चर्स में होते हैं और येलोइश या ब्राउनिश कलर का पैच लाइक स्ट्रक्चर या आप बोल सकते हैं पैच की तरह पोस्टूल की तरह फॉर्म कर लेते हैं. ठीक है, सो डियर नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ फाइटोप्थोरा. तो अगर हम इनके माइसीलियम की बात करें तो ये कोएनोसाइटिक होते हैं, सेपरेट होते हैं और हाइलिन इनमें लेयर होती है. अच्छा, कोएनोसाइटिक का मीन्स है कि एक ही मतलब कोई भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता. और न्यूक्लियस जो होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं लेकिन एक ही सेल में पड़े हुए होते हैं, एक ही सेल में होते हैं. यानी जो आपको ये पूरा थैलस दिख रहा है इनमें एक ही पूरा एक ही है, मतलब एक ही सेल है लेकिन इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है. असेप्टेट होते हैं विदाउट एनी सेप्टा. यानी सेप्टा का मीन से मान लीजिए ये ब्रांच है और ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो यहाँ से, इसे कहते हैं सेप्टा. ठीक है, तो ये असेप्टेट होते हैं, हाइलिन होता है और ठीक है प्रोफ्यूसली ब्रांच होते हैं. आपको दिख रहा है कि ये ब्रांच स्ट्रक्चर होती है, मोनोपोडियल ब्रांचिंग होती है इनमें. देख सकते हैं कि ब्रांच निकला हुआ है, तो इस तरह की ब्रांचिंग को हम मोनोपोडियल ब्रांचिंग कहते हैं. सेप्टा की बात करें तो वैसे तो सेप्टा प्रेजेंट नहीं होते नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन एट द स्टेज ऑफ मैच्योरिटी यानी जब टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन होता है या मैच्योरिटी का टाइम होता है तब क्या करते हैं जो सेप्टास जो है वो फॉर्म हो जाते हैं. ओके, तो डियर क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म है वो कंटेन होता है बहुत सारे न्यूक्लियाई से. यानी साइटोप्लाज्म में बहुत सारे, एक ही साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, डिक्टियोसोम्स, वैक्यूल्स और बहुत सारे मैनी ऑयल ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो इतने सारे ये जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं ये सभी के सभी साइटोप्लाज्म में फ्रीली रहते हैं. अगर हम इनके माइसिलियम की बात करें तो ये इंट्रासेलुलर होते हैं और डायरेक्टली किल्स करते हैं इन्वेडेड सेल्स को. इन्वेडेड का मीन्स है कि जो प्लांट की सेल्स हैं, यानी जिस होस्ट प्लांट पे ये अटैक करेंगे, मान लीजिए किसी टमाटो के प्लांट पे किया या किसी पोटैटो के प्लांट पे किया या क्रूसिफेरिस के किसी भी प्लांट पर किया, तो क्या करते हैं तो ये इंट्रासेलुलर होते हैं. मतलब उनकी सेल के अंदर हॉस्टोरियम को ग्रोथ करते हैं. और जैसे मान लीजिए ये लीव है, ठीक है, एक सेकेंड मैं दूसरा पेन बताऊँ देखा करके. तो देखिए मान लीजिए ये लीफ है, तो ये इस तरह से लीफ थी और लीफ के लोअर साइड पे यानी इस तरफ से वो हॉस्टोरियम को बाहर निकालते हैं, यानी जो कोनिडियम होगा उसको बाहर निकालेंगे. तो ये इस तरह से प्रोसेसेस होती हैं इनकी फाइटोप्थोरा की. तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वेजिटेटिव स्ट्रक्चर. बट डियर क्या होता है कि कुछ केसेस होते हैं उनमें ये इंटरसेलुलर भी होते हैं और प्रेजेंट होते हैं जो इनके इंटर मतलब जो होस्ट बॉडी है, होस्ट टिश्यू है उसके इंटरसेलुलर स्पेसेस में यानी अंदर के पार्ट्स में. ठीक है, और वहाँ पर क्या होता है कि कुछ स्पीसीज हैं वो डेवलप करती हैं हॉस्टोरिया को एब्जॉर्ब करने के लिए फूड मटेरियल. सम ऑफ द स्पीसीज डेवलप हॉस्टोरिया टू एब्जॉर्ब देयर फूड मटेरियल. यानी जो जैसे मान लीजिए ये अभी मैंने बताया था ये कोई लीफ है प्लांट की, ठीक है, इसके लोअर पार्ट पे ये गए, किसी ने अटैक किया, जूस पोर पहुँचा, तो वो ग्रोथ करेंगे. ठीक है, वहाँ पर जा करके वो अपने थैलस में इंक्रीज करेंगे, तो उसे ही हम हॉस्टोरिया कहते हैं. हॉस्टोरिया और वही स्ट्रक्चर की बात करें उसकी, तो सिलेंडर होता है और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे हम हॉस्टोरिया कहते हैं, जो कि इनमें सकिंग का या एब्जॉर्बिंग का काम करते हैं. ठीक है, और हॉस्टोरिया जो है वो लेटरल ग्रोथ बोल सकते हैं यानी आउट ग्रोथ बोल सकते हैं, लेटरल आउट ग्रोथ में इंटरसेलुलर हाइफे में ग्रोथ करते हैं.
ठीक है, कहाँ से ग्रोथ करते हैं, इंटरसेलुलर हाइफी से ग्रोथ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम डायग्राम की बात करें तो ए वाले जो डायग्राम है उसमें शो किया गया इन्फेक्टेड लीफ को, बी वाले में ट्यूबर को इन्फेक्टेड, एन सी वाले में और इसमें सी और डी में फंगल माइसिलियम को, जो टिश्यू के ऊपर फंगल माइसिलियम होता है उसको शो किया गया। देखिए ये माइसिलियम है कॉर्टेक्स में, ठीक है, और होस्ट टिश्यू ये है, होस्ट टिश्यू मतलब जिस प्लांट पे ये एंटर करेंगे वहाँ पर। और ये देखिए ये जो पित है ये माइसिलियम इन पित है, तो आपको सही से समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से डायग्राम में मैंने शो किया किस तरह से ये हॉस्टोरियम को फैलाते हैं इनकी पूरी बॉडी में। तो डियर जो यंग हॉस्टोरियम होता है वो होस्ट सेल में इन्वेजिनेट होता है और जो एक्स्ट्रा सेलुलर यानी हॉस्टोरियल सीड जो होता है उसके सराउंडेड हो जाता है, मतलब उसकी तरफ एक तरह से जाल नेट की तरह स्ट्रक्चर बिछा देता है इसकी, जो कोई भी लीफ होगी उसकी जो बॉडी है उसके ऊपर, ये देख सकते हैं आप, इट रिमेन सराउंडेड बाय एन एक्स्ट्रा हॉस्टोरियल सीड। ठीक है, जो एक्स्ट्रा हॉस्टोरियल सीट है वो हॉस्टोरियम मेम्ब्रेन से और साइटोप्लाज्म से एक तरह से कंसिस्ट होती है सेल से। और साइटोप्लाज्म की बात करें तो हॉस्टेरिया जो है उसका जो साइटोप्लाज्म है वो कंटेन्स होता है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लिया से। एक बार हम डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए ये क्या है, होस्ट का पहले ये जो टिश्यू है एक होस्ट का टिश्यू है, ठीक है, ये होस्ट की एपिडर्मिस है ऊपर की लेयर, यहाँ पे ये भी होस्ट सेल है। तो मान लीजिए जूस पोर के थ्रू जब ये एंटर करेंगे तो उसके बाद ये पूरी तरह से हॉस्टोरियम को ग्रोथ करेंगे, यानी इनके जो थैलस होगा इनका माइसिलियम होगा वहाँ यहीं पर फैल जाएगा एक नेट की तरह स्ट्रक्चर। देन उसके लोअर पार्ट यानी जो लीफ का लोअर पार्ट होगा वहाँ से ये इस तरह से बाहर की तरफ आएंगे, जिसे हम कोनिडियोफोर्स कहते हैं, ये जो बाहर आते हैं, देन ये जो स्पेरिकल ओवल स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें हम कोनिडियम कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो डियर अब हम डिस्कस करेंगे कुछ टाइप के बेसिस पे, इनके बारे में जानेंगे जो फाइटोप्थोरा है, ठीक है। तो सबसे पहले रूट्स एंड स्टेम बेसिस, इस पे क्या होता है कि ये हमेशा अफेक्ट करते हैं कहाँ पर, जो रूट सिस्टम होते हैं उन पर, डिसकलर होते हैं और डिके करते हैं काफ़ी अच्छी मात्रा में, यानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ये जो डिस्ट्रॉयड है, जो फीडर रॉड्स होते हैं खाने वाले रूट्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। अभी मैंने इनको इकोनॉमिकली हार्मफुल भी बताया था, ठीक है। और ये क्या करते हैं, क्या होता है कि जैसे स्टेम बेस कोई भी प्लांट है उन, मतलब मान लीजिए जो स्टेम बेस है इनका माइसिलियम फाइटोप्थोरा का, तो क्या होता है कि ये किसी भी माइसिलियम को अपने जिसी भी टिश्यू पे जिसी भी होस्ट पे ग्रोथ करेगा, वहाँ पे क्या होगा जो आउटर टिश्यू है किसी भी स्प्रैकिंग अवे हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा और प्लांट जो है वो ऐसा हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है कि इंटरनल जो उसके लीडिंग एज है वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज हो जाए और सॉइल जो है या बोल सकते हैं जो कंपोस्ट का सरफेस है वहाँ पर डिसीज कॉज हो जाए, वहाँ पर रॉट होने लग जाए, ठीक है। तो एक तरह से हेल्दी प्लांट्स को भी ये डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन क्या होता है कि ये जो उनका विलो पार्ट होता है, लोअर पार्ट होता है, वहाँ पे ब्राउन या रेडिश ब्राउन का स्पॉटिंग या पॉस्ट्यूल्स कॉज करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर ब्राउन कलर में ऐसे ही लोअर पार्ट में, लीफ का जो लोअर पार्ट है वहाँ पर ग्रोथ करते हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर मैंने फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस का एक तरह से शो किया है डायग्राम, ये पूरा इमेज, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट वन इज फोलियज। अगर हम फोलियज की बात करें तो जो फोलियर सिम्स्टम्स होते हैं, उनमें जो होस्ट का रूट है वो कम्प्लीटली रॉट हो जाता है, यानी कम्प्लीटली ख़राब हो जाता है। और ये क्या होते हैं कि जब ऑर्गेनिज्म जो है स्टेम बेसिस ऑर्गेनिज्म जो है उनमें मेनली कॉज होता है ये रूट रॉटिंग, एक तरह से कॉज होती है, यानी रूट्स भी रॉट होते हैं, ठीक है। ये बोल सकते हैं एक तरह से विल्टिंग, शेडिंग ऑफ लीव्स, लीव्स का झड़ जाना या डाई बैक हो जाना प्लांट का, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आप, इंक्लूड विल्टिंग, शेडिंग ऑफ लीव्स, डाई बैक एंड अ ग्रेजुअल फेडिंग ऑफ कलर, यानी कलर झड़ने लगता है, कलर खराब करने लगता है,
होने लगता है, ठीक है, जो उनके फॉलिएज प्लांट है, कॉर्निफर्स एंड हीटर्स हो सकते हैं कॉमनली, ठीक है, उनमें कॉज होता है। फोलियर सिम्टम्स जो हैं वो जब मान लीजिए कभी सूखा पड़ता है, अपटेक ऑफ वाटर और न्यूट्रिएंट्स की कमी हो, यानी अपटेक ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स हो, तो क्या होता है कि डिसीज कॉज जो होते हैं वो रूट सिस्टम में होते हैं, ठीक है। और जो एडिशनल स्ट्रेस फैक्टर हैं, यानी मान लीजिए ड्रॉट हो गया, कभी भी सूखा पड़ गया, ठीक है, तो उस पोजिशन में भी, उस वहाँ पर उस कंडीशन में भी ये किस तरह से सरवाइव करेंगे, कम लैक ऑफ वाटर होगा, ठीक है, तो वहाँ पर ये जो कॉजेज हैं या जो मॉइस्ट होने के अकॉर्डिंग वहाँ पर ये डिसीज़ कॉज हो जाता है, ठीक है। अर्ली स्टेजेस में क्या होता है कि फाइटोप्थोरा जो है रूट रॉट काफ़ी ज़्यादा मतलब सिम्टम्स को शो नहीं करता, लेकिन क्या होता है मेनली स्टेम बेस होता है और अफेक्ट करता है, मतलब प्लांट पे अफेक्ट करना नेसेसरी है, और लेकिन ज़्यादा अगर सिम्टम्स की बात करें स्टार्टिंग में शो नहीं करते, देन क्या होता है ये सारे सिम्टम्स ब्राउनिश कलर में, डार्क एक तरह से ब्लैक वाटर सोक लीफ स्पॉट बोल सकते हैं, ठीक है, और यानी जो पैथोजन है वो डाउन प्रोग्रेस करने लगते हैं, यानी धीरे धीरे अंदर ही अंदर प्रोग्रेस करते चले जाते हैं, और एक टाइम पे हमें लगता है कि जो लीफ है या जो स्टेम है वो टोटली डिस्ट्रॉय हो चुका है। ओके, तो डियर इससे रिलेटेड कुछ थिंग और है, एक है स्टेम लेसन, इनमें क्या होता है कुछ स्पेसीज जो है वो डायरेक्टली इन्फेक्ट करते हैं स्टेम्स को, ठीक है, जो कि ब्राउन और ब्लैक वाटर सोक्ड स्पेसीज बोल सकते हैं एक तरह से कॉज करते हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं ब्राउन में, ठीक है। और एक होता है सोक्ड स्टेम लेसन, इनमें क्या होता है कि ये विल्टिंग और एरियल डाई बैग को शो करते हैं, यानी स्टेम में नहीं लेकिन मेनली मोस्टली ये रूट डेथ को कॉज करते हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन फाइटोप्थोरा। तो अगर हम इनमें रिप्रोडक्शन की बात करें तो मोस्टली टू टाइप से रिप्रोडक्शन होता है, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नॉर्मली स्पोर फॉर्मेशन से होता है, ठीक है, जिसमें जू स्पोर बनते हैं, यानी स्पोरेंजियम बनता है जिनसे जू स्पोर का फॉर्मेशन होता है, और जू स्पोर को हम क्लेमाइडोस्पोर फॉर्मेशन भी कहते हैं, ठीक है, जू स्पोर फॉर्मेशन को। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो मोस्टली ओगैमस टाइप का, जिसमें गैमेट्स बनते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट जर्मिनेशन ऑफ स्पोरेंजियम, यानी स्पोरेंजियम बनता है, तो इसे हम क्लाइडोस्पोर फॉर्मेशन भी कहते हैं, ठीक है, उसे हम चलिए अभी डिस्कस करेंगे। उसे डिस्कस करने से पहले हम एक बार इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं पूरी लाइफ साइकिल का। अब देखिए क्या, यहाँ देखिए ये इस तरफ, तो देखिए सबसे पहले क्या है कि अपर सरफेस है किसी भी होस्ट सेल का, किसी भी प्लांट का, देन स्टोमा है यहाँ पर लोअर पार्ट पे, ठीक है, ये लोअर सरफेस है, नीचे का पार्ट, ये पूरा ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं फिलामेंट लाइक, ये है स्पोरेंजियम। ऊपर जो ओवल स्ट्रक्चर है इसे कहेंगे स्पोरेंजियम, और ये जो स्ट्रक्चर है मतलब ये इसे कहेंगे स्पोरेंजियोफोर। अब ये जो ओवल स्ट्रक्चर है इसे स्पोरेंजियम कहते हैं, ये डेवलप करता है, इसमें डिवीजन होता है, देन ये फॉर्म करता है जू स्पोर को, फिर इसकी जो आउटर वॉल है वो पेनिट्रेट होती है, जू स्पोर का लिब्रेशन होता है, जू स्पोर बाहर आते हैं, देन जू स्पोर जर्मिनेट करते हैं। अब ये देखिए ये जर्मिनेटिंग जू स्पोर है, और जब कोई होस्ट प्लांट मिलता है इन्हें तब जाकर के उसके स्टोमा से उसकी बॉडी में एंटर करते हैं, और वहाँ पर जाकर के पूरे होस्ट एरिया का फॉर्मेशन कर लेते हैं और अपने माइसीलियम को पूरी बॉडी पे फैला देते हैं, ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है, और इन्फेक्ट करने लगते हैं, उससे फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करने लगते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे सभी ये जो पूरा स्पोरेंजिया फॉर्मेशन किस तरह से होता है उन सभी थिंग्स को। तो डियर चलिए देखते हैं स्पोरेंजियम फॉर्मेशन। तो स्पोरेंजिया जो है वो स्पोरेंजियोफोर से डेवलप होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था द स्पोरेंजिया डेवलप ऑन स्पोरेंजियोफोर, ठीक है, जो क्या होता है जो इन्फेक्टेड लीफ है उससे बाहर आते हैं स्टोमेटा के थ्रू, यानी जो एपिडर्मल सेल है उसके लोअर साइड पे छोटे छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, द एपिडर्मल साइड्स सेल्स
टुवर्ड्स लोअर साइड, कहाँ पर, लोअर साइड के टुवर्ड्स पोर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्टोमा या स्टोमेटा, तो वहाँ से बाहर आते हैं। अब इस पोरेंजियो पोर की बात करें तो वो ब्रांच्ड होते हैं, जैसे आपको मैंने एग्जांपल सबसे अच्छा भी दिखाया था, तो जिस स्पीसीज में दिखाया था वो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस था। ठीक है, एक बार हम इसको देखेंगे। देखिए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, स्पोरेंजियो पोर बना, देन जूस पोरेंजिया बनता है, और यहाँ पे ये ऊपर की स्ट्रक्चर से पैपिला कहते हैं। जूस पोर का फॉर्मेशन होगा जहाँ से पेनिट्रेट होता है, जहाँ से पेनिट्रेट होता है उसे पैपिला कहते हैं। देन जूस पोर में इंसेस्टमेंट होगा, यानी वो बढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो डियर अगर हम स्पोरेंजिया की बात करें तो जो स्पोरेंजिया होते हैं वो डेवलप करते हैं टर्मिनल, मतलब टर्मिनल ग्रोथ करते हैं इस तरफ में। अब टर्मिनल ग्रोथ करने के बाद वो लेटरल पोजीशन में एक दूसरे के पड़ोस में शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे ये देखिए मैंने यहाँ पे, ये पहले था जूस पोर का फॉर्मेशन, धीरे धीरे यहाँ पे इस तरह से हुआ। अब ये देखिए ये पेनेट्रेट हुआ, पेनेट्रेट होकर के ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, समझे। तो मैंने यहाँ पर एक व्यू दिया है। तो क्या होता है कि शिफ्ट हो जाते हैं लेटरल पोजीशन पे, ठीक है, ग्रोथ करते हैं स्पोरेंजियम फोर का, जो कि डेवलप करता है न्यू स्पोरेंजियम को टिप के ऊपर। यानी जैसे मान लीजिए ये ब्रांच है, यहाँ पे स्पोरेंजियम बन रहा था, अभी अलग हो गया, तो यहाँ टिप पे दूसरा स्पोरेंजियम बनने लगेगा। ठीक है, तो क्या होता है कि इसी वजह से जो ये स्पोरेंजियो फोर है, ठीक है, ये सिम्पोडिया की तरह बिहेव करता है, और ब्रांचिंग जो है ये कुनेडियो फोर होती है। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस में, ठीक है, जिसमें सिम्पोडियल ब्रांचिंग होती है। सिम्पोडियल ब्रांचिंग का मीन्स है यहाँ से मान लीजिए ये कट गया तो यहाँ पे नया उग जाता है, एक तरह से उगना ही कहेंगे, ठीक है, तो नया फॉर्मेट हो जाता है यहाँ पर। तो डियर अगर हम स्पोरेंजियम की बात करें तो स्पोरेंजियम थिन वॉल्ड होते हैं, यानी इनकी जो वॉल होती है वो काफ़ी थिन होती है। हाइलिन जो है वो लाइट येलो कलर में होता है, जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है, तो लाइट येलो कलर में है, ठीक है। पियर शेप्ड होते हैं, स्फेरिकल, ओवल और पियर शेप्ड, ये देख सकते हैं स्फेरिकल, ओवल और पियर शेप्ड, ठीक है। थिन पैपेला होता है, अब ऊपर की तरफ ये स्ट्रक्चर, इसे कहेंगे पैपेला। देन इसकी जो मेजरमेंट है वो 20-25 पिकोमीटर लेंथ में एंड 16-25 माइक्रोमीटर ब्रीथ में होती है, ठीक है। और जो मैच्योर स्पोरेंजिया है वो डिटैच हो जाते हैं स्पोरेंजियो फोर से और डिस्प्रेस्ड हो जाते हैं, ठीक है, बाय रेन स्प्लैश, रेनिंग वगैरह हुई या कोई इनको इंसेक्ट्स वगैरह झटका वगैरह लगा तो उससे डिस्पर्स्ड हो जाते हैं और नए होस्ट पर जाकर के जर्मिनेट कर लेते हैं, ठीक है। तो डियर जो जर्मिनेशन है वो डिपेंड करता है एनवायरमेंटल कंडीशन पर, यानी डिपेंड्स ऑन एनवायरमेंटल कंडीशन, ठीक है। तो जर्मिनेशन जो है वो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट होता है। लो टेम्परेचर में 1 से लेकर के 5 डिग्री सेल्सियस में, वेट कंडीशन में, हाई ह्यूमिडिटी में, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस या 100% फेवर इनडायरेक्ट जर्मिनेशन होता है, ठीक है। जब हाई टेम्परेचर होता है 20 डिग्री से अबव होता है, ड्राई कंडीशन होती है, लो ह्यूमिडिटी होती है, तो जो फेवर कंडीशन आ जाते हैं तो जो जर्मिनेशन होता है वो स्पोरेंजियम का डायरेक्ट जर्मिनेशन कहलाता है, ठीक है। तो डियर इनडायरेक्ट जर्मिनेशन में, ड्यूरिंग इनडायरेक्ट जर्मिनेशन, ठीक है, द कंटेंट ऑफ स्पोरेंजिया ब्रेक्स 3-13, यानी 3 से 13 मोर स्मॉल यूनिन्यूक्लियर सेगमेंट। जो ये जर्मिनेशन होता है इनडायरेक्ट जर्मिनेशन, इसमें जो स्पोरेंजिया होता है वो 3 से लेकर के 13 बार तक स्मॉल यूनि न्यूक्लियेट सेगमेंट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। ईच सेगमेंट बिकम किडनी शेप्ड, सभी के सभी सेगमेंट किडनी शेप के हो जाते हैं। देन डेवलप करते हैं दो, लिटरली दो फ्लैजिला को, एक होता है वाई फ्लैज, एक होता है टिंसल। वाई फ्लैज जैसे ये किडनी शेप है, वाई फ्लैज थोड़ा छोटा होता है, टिंसल थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। और ये जूस पोर जो है स्विम करते हैं वाटर में, और स्विम करने के बाद, ठीक है, वाटर में एक तरह से रेन और ड्यू ड्रॉप में एक तरह से शो होने लगते हैं, ठीक है, जैसे ड्रॉप की तरह स्ट्रक्चर, जैसे रेन वगैरह हुई तो रेन में बह करके जा रहे हैं ये, तो ठीक है, ड्यू ड्रॉप में या ओस वगैरह पड़ते हैं तो उससे भी ये नीचे गिर जाते हैं। देन होस्ट की तलाश में जर्मिनेट करने के लिए या रेस्टिंग पीरियड में चले जाते हैं, फिर जा कर के वहाँ पर जर्मिनेट कर लेते हैं।
अब क्या होगा डियर कि ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ होस्ट सरफेस, जब कभी भी ये किसी भी होस्ट के सरफेस से कॉन्टैक्ट में आएंगे तो जो फर्स्ट फ्लैजिला है वो लॉस हो जाएगा और विकम होने लगे, यानी बनने लगेगा इंसिस्टेड, इंसिस्टमेंट उसमें स्टार्ट हो जाएगा। अब जो जर्मिनेट है वो जम, जैसे ये मान लीजिए ये था किडनी शेप, एक ये था, ये था फर्स्ट, एक सेकेंड, हाँ ये वाला फ्लैजिला जो था फ्लैजिला वो डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है, और यहाँ पर इंसिस्टमेंट होने लगा, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ग्रोथ करने लगी यहीं पे, ठीक है। अब ट्यूब निकलने लगेगी जिसे हम कहेंगे जर्म ट्यूब, ठीक है। तो जर्म ट्यूब जो है वो पेनेट्रेट होगी डायरेक्टली, द जर्म ट्यूब देन पेनेट्रेट्स डायरेक्टली थ्रू स्टोमा, पेनेट्रेट करेगी स्टोमा को और कॉज करेगी जर्म ट्यूब, ठीक है, उनके जो टिप है उस पर, और प्रोड्यूस करेगी एन एप्रेसोरियम। एप्रेसोरियम जो है वो इन्फेक्शन को डेवलप करेगा, ठीक है, टुवर्ड्स लोअर साइड, और कॉज करेगा इन्फेक्शन को, ठीक है, एपिडर्मल जो सेल्स होंगे उनके जरिए, ठीक है, यानी एपिडर्मल सेल्स में जो सेल्स, जैसे एपिडर्मिस है, ये कोई मान लीजिए ये है, ठीक है, होस्ट, यहाँ पे एपिडर्मिस सेल है, ये एपिडर्मल सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, एपिडर्मल सेल्स, ठीक है, एपिडर्मल सेल्स को अब वो इन्फेक्ट करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। तो डियर डायरेक्ट जर्मिनेशन में क्या होता है, ड्यूरिंग डायरेक्ट जर्मिनेशन द स्पोरेंजियम बिहेव एज कोनिडियम, यानी जो स्पोरेंजियम है वो कोनिडियम की तरह बिहेव करने लगता है और डायरेक्टली जर्मिनेट करता है, प्रोड्यूस करता है मल्टी न्यूक्लियर जर्म ट्यूब को और कॉज करता है इन्फेक्शन जू स्पोर के जैसे ही। बट आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्ट जर्मिनेशन में जो कोनिडियम है वो बिहेव करने लगता है किसकी तरह, सॉरी, जो स्पोरेंजियम है वो बिहेव करने लगता है कोनिडियम की तरह, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे एक बार डायग्राम को, मैंने यहाँ पे लाइफ साइकिल को शो किया, फाइटोप्थोरा माइसीलियम, देन ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे फाइटोप्थोरा से स्पोरेंजियोफोर बनेगा, देन स्पोरेंजियम बनेगा जो कि फंक्शन करेगा कोनिडियम के जैसे, ठीक है, जो जर्मिनेट करेंगे और जर्मिनेट करके ये फाइटोप्थोरा बनाएंगे। अब जर्मिनेशन जो है वहाँ से जूस्पोर, जूस्पोरेंजियम बनेंगे और जो कि फंक्शन करते हैं, जैसे स्पोरेंजियम बने, स्पोरेंजियम फंक्शन करते हैं जूस्पोरेंजियम की तरह, और जो जूस्पोरेंजियम है वो जूस्पोर एंड जूस्पोर जर्मिनेट करके फाइटोप्थोरा का माइसिलियम बना लेंगे, ठीक है। इधर स्पोरेंजियम जो है वो कोनिडियम की तरह करेंगे वर्क और कोनिडियम जर्मिनेट करके फाइटोप्थोरा का माइसिलियम बना लेंगे, ठीक है। तो डियर अब हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, जैसा कि मैंने बताया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ ओगैमस टाइप विच टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ डेफिनेट मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी जो ओगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सॉरी मोस्टली ओगैमस टाइप का होता है, जो कि डेफिनेट मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के थ्रू ही होता है, जिसे हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है नोन एज एंथ्रीडियम एंड ओगोनियम, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, ठीक है। रिस्पेक्टिवली क्या होता है कि जो सेक्स ऑर्गन्स है वो अराइज होते हैं जो शॉर्ट लेटरल हाइफी होता है उसकी टिप पर, ठीक है, और स्पीसीज जो है फाइटोप्थोरा की वो होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक होती हैं। होमोथैलिक का मीन्स है कि एक ही प्लांट पर मेल एंड फीमेल, मतलब एक ही होस्ट पर या एक ही लीफ पर मेल एंड फीमेल जो गैमेट्स हैं वो फॉर्मेट हो जाए, वहीं पर वो फर्टिलाइज कर लें, जैसे फाइटोप्थोरा हिमालयंसिस, ठीक है। और हेट्रोथैलिक होती हैं जिसमें अलग अलग चाहिए होते हैं होस्ट, ठीक है, अलग अलग लीफ होने चाहिए, अलग अलग स्टेम होने चाहिए, अलग अलग होस्ट होने चाहिए, जैसे फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। एक बार हम इस डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पे कोई सोमेटिक हाइफा था, देन ये एंथ्रीडियम बना, ऊपर देख सकते हैं आप ओगोनियम, इस तरह से स्ट्रक्चर स्फेरिकल होती है, देन यहाँ पे देखिए ये ओप्लाज्म बना फर्टिलाइजेशन के बाद, और ये देखिए फीमेल न्यूक्लियस अंदर है और मेल न्यूक्लियस अंदर है, यहाँ पे देखिए इस स्ट्रक्चर में, देन वो एक दूसरे को फर्टिलाइज कर लेंगे, न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाएगा, बाहर ओगोनियल बाल सॉरी वॉल बन जाएगी, देन ये पूरी स्ट्रक्चर को हम कहेंगे स्पोर, देन जर्मिनेशन ट्यूब निकलेगी और स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होगा, इधर ये स्पोर्स बनेंगे और सोमेटिक हाइफा में डेवलपमेंट कर लेंगे या डेवलप हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से होता है। तो डियर जो फाइटोप्थोरा है ये एंथ्रीडियम और ओगोनियम के हिसाब से दो टाइप से डिवाइड किए गए हैं, एक है पैरागाइनस और एक है एम्फीगाइनस।
तो नंबर फर्स्ट पैरागनेस स्पीसीज जो होती है, जैसे फाइटोप्थोरा कैक्टोरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एंथ्रीडिया जो है अटैच होते हैं लेटरली उगोनियल वॉल से और डेवलप करते हैं सेम डिफरेंट हाइफेसी, यानी सेम और डिफरेंट हाइफेसी डेवलप करते हैं लेकिन उगोनियल वॉल से, आपको ध्यान रखना है, उगोनियल वॉल से अटैच रहते हैं जो एंथ्रीडिया होते हैं वो। डियर एम्फीगाइनस में क्या होता है, इसमें मोस्टली स्पीसीज है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस और फाइटोप्थोरा एरिथ्रोसेप्टिका देन फाइटोप्थोरा कैक्टोरम। और इसमें क्या होता है कि एंथ्रीडियम जो है वो डेवलप करते हैं फर्स्टली नियर बाय हाइफा से पेनिट्रेट करते हैं, उनमें एंथ्रीडियम जो है वो डेवलप होता है देन वो इमर्स आउट होता है, बाहर आते हैं, ठीक है। और जो टिप है वहाँ पर इन्फ्लेट्स करते हैं, फॉर्म करते हैं स्फेरिकल उगोनिया को, और जो एंथ्रीडियम है वो कॉलर की तरह, यानी उगोनियम के बेस पे कॉलर की तरह स्ट्रक्चर जा करके वहाँ पर वो दिखने लग जाती है। तो डियर चलिए अब हम डिस्कस करते हैं डिटेल प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, यानी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, सभी में इसी तरह से ही होता है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, एंथ्रीडिया एंड उगोनिया बनते हैं, तो सबसे पहले आता है डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम। तो डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम जो होता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस में, एंथ्रीडियम जो है वो फॉर्म होते हैं लेटरली टिप ऑफ द लेटरल हाइफी पे, जो लेटरल हाइफी है उसके टिप पे, ठीक है। टिप जो है वो स्वेल्स अप होती है, देन पार्टीशन होता है वॉल में और डेवलप करते हैं बेस के ऊपर, वहाँ पे वो कट ऑफ होता है। और अपर एंथ्रीडियम जो है वो कंटेनिंग होता है वन और टू न्यूक्लियाई, यानी जो सबसे ऊपर का एंथ्रीडियम होगा वो कंटेन्स होगा वन और टू न्यूक्लियाई से, ठीक है। और जो न्यूक्लियाई हैं वो अंडरगो होंगे रिपीटेड डिवीजन करेंगे, माइटोसिस डिवीजन करते हैं मेनली, आपको ध्यान रखना है। और स्टिम्यूल्स जो हैं वो डेवलपिंग करेंगे उगोनियम को और फॉर्म करेंगे 8 से 12 न्यूक्लियाई को। अब मैच्योरिटी स्टेज जब आएगी तो सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूक्लियस बचेगा, जिसे हम फंक्शनल न्यूक्लियस कहेंगे। क्या कहेंगे? फंक्शनल न्यूक्लियस। और बाकी के सभी क्या होंगे? वो डीजनरेट हो जाएंगे, ओके? तो अब हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ उगोनियम एंड फाइटोप्थोरा, उगोनियम का डेवलपमेंट किस तरह से होता है। तो ये क्या है, जो उगोनियम है ये भी जो उसके नेबरिंग पड़ोसी हाइफा है वहां पर डेवलप करते हैं उनके ऊपर, टिप के ऊपर। जैसे उगोनियम ऑल्सो डेवलप्स फ्रॉम द टिप ऑफ नेबरिंग हाइफा, ठीक है। जो हाइफा है वो इनिशियली पर्स होते हैं और डेवलप करते हैं एंथ्रीडियम को, और ये टिप के ऊपर जो इनका टिप होता है वो स्वेल्स अप होता है और फॉर्म करता है ग्लोब्यूस, यानी ग्लोब्यूस ऐसे इस स्ट्रक्चर में, ग्लोब्यूस स्ट्रक्चर में उगोनियम को फॉर्म करता है एंथ्रीडियम के अबव, ठीक है। इनिशियली जो उगोनियम है वो मल्टी न्यूक्लियट होता है, आपको ध्यान रखना है, उगोनियम जो होता है वो मल्टी न्यूक्लियट होता है, और ये न्यूक्लिया जो होते हैं अगेन रिपीटेड डिवीजन करते हैं, जिसे हम माइटोसिस डिवीजन करते हैं कहते हैं, जिसमें 24 न्यूक्लियाई बन जाते हैं, ठीक है। एक बार आप डायग्राम को भी देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे तो फर्टिलाइजेशन को शो किया है, लेकिन देखिए जैसे ये उगोनियम है, माइटोटिक डिवीजन हुआ, डिफ्रेंशिएशन किया गया मियोसिस में, ठीक है, और यहाँ पर प्राइमरी ओसाइट बने, देन ऐसे होता है ओवम, ओवम से सेकेंडरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट से प्राइमरी ओसाइट, देन उगोनियम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डियर क्या होता है, जो प्रोटोप्लास्ट है उगोनियम का वो डिफरेंशिएट होता है आउटर पेरिप्लाज्म और सेंट्रल ऊप्लाज्म, आपको ध्यान रखना है, प्रोटोप्लाज्म आउटर पेरिप्लाज्म में डिवाइड होगा और सेंट्रल जो ऊप्लाज्म है उसमें, इन दो स्ट्रक्चर में डिवाइड होगा। इनिशियली जो बोथ रीजन है, दोनों के दोनों रीजन है, ये मल्टी न्यूक्लियट होते हैं और न्यूक्लियाई एक न्यूक्लियाई को छोड़कर, ठीक है, जो कि पास हो ऊप्लाज्म से पेरिप्लाज्म में, और बाकी के जो न्यूक्लियाई है वो भी डीजनरेट होंगे, यानी द न्यूक्लियाई इन द पेरिप्लाज्म लेटर डीजनरेट एंड द ऊप्लाज्म विथ वन न्यूक्लियस फंक्शन एज एन एग। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एग की तरह फंक्शन करेगा वो ओनली का ओनली एक न्यूक्लियस होगा, सिर्फ और सिर्फ वन न्यूक्लियस होगा, बाकी के सभी जो पेरिप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे वो डीजनरेट हो जाएंगे, ओके। सो डियर नाउ वी आर डिस्कसिंग फर्टिलाइजेशन इन फाइटोप्थोरा। अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें, जब मैचुरेशन हो जाएगा एंथ्रीडियम एंड उगोनियम का,
तो क्या होगा डियर कि एक सिंगल न्यूक्लियस उनके एंथ्रीडियम से पासेस होगा गोनियम में, ठीक है, देन वहां पे वो फर्टिलाइजेशन करेंगे ट्यूब के थ्रू. तो अ सिंगल न्यूक्लियस फ्रॉम द एंथ्रीडियम पासेस टू द ओगोनियम थ्रू फर्टिलाइजेशन ट्यूब एंड फर्टिलाइज द एग्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ओस्पोर. यानी फर्टिलाइजेशन करेगा एग्स का ओस्पोर के फॉर्मेशन में. कैरियोगेमी की बात करें तो वो डिलेड होगी जब ओस्पोर वॉल मैच्योर हो जाएगी, तब उसके बाद प्रोसेस जो होती है उसे हम कहते हैं कैरियोगेमी. तो डियर क्या होगा, जो ओस्पोर है वो डबल वॉल्ड होंगे, कंसिस्ट होंगे कंपैरेटिवली थिन, ठीक है, और एक्सपोर जो होगा एक्सोस्पोर बाहर का वो होगा काफी थिन, देन अंदर का जो एंडोस्पोर होगा वो काफी थिक होगा, पैथोजेनिक होंगे, डेवलपमेंट करेंगे उस स्पोर का, और हमेशा फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस में भी यही प्रोसेस होगी, सेम सभी स्पीसीज में इसी तरह से होगा. सो अब हम डिस्कस करेंगे जर्मिनेशन ऑफ ओस्पोर. तो अगर जर्मिनेशन की बात करें तो मैच्योरेशन के बाद द ओस्पोर अंडरगोज मैच्योरेशन फॉर सेवरल वीक्स और टू मंथ, यानी ये काफ़ी हफ्तों से और महीने तक का टाइम ले सकता है, ठीक है, जर्मिनेशन के लिए. अब जर्मिनेशन के पहले क्या होगा, ठीक है, जो ओस्पोर है न्यूक्लियस का वो 2N अंडरगोस मतलब 2N सेल्स बनाएगा, देन माइटोटिक डिवीजन करेगा, रिपीटेड डिवीजन फॉर्म करेगा, नंबर ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियाई, यानी न्यूक्लियाई जो बनेंगे वो डिप्लॉयड होंगे, ठीक है. जो ओस्पोर है वो प्रोड्यूस करेगा जर्म ट्यूब को, जो कि कट ऑफ हो जाएंगे टर्मिनल स्पोरेंजियम से एट द टिप बाय ट्रांसवर्स सेप्ट. आपको ध्यान रखना है कि द ओस्पोर्स देन प्रोड्यूस जर्मिनेशन ट्यूब कट्स ऑफ टर्मिनल स्पोरेंजियम एंड इट्स टिप बाय ट्रांसवर्स सेप्ट, ठीक है. जो न्यूक्लियाई हैं स्पोरेंजियम के, द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पोरेंजियम फर्स्ट अंडरगो माइटोटिक डिवीजन, पहले वो माइटोटिक डिवीजन करते हैं, देन सेवरल माइटोटिक डिवीजन करते हैं, ठीक है. तो इसमें मोस्टली माइटोटिक डिवीजन ही होता है, ठीक है. देखिए सबसे पहले ये हाइफा, देन एंथ्रीडियम, ओगोनियम, एंथ्रीडियम अपर साइड पे, ओगोनियम लोअर साइड, सॉरी हाँ यही है, एंथ्रीडियम अपर साइड पे एंड ओगोनियम लोअर साइड पे. ओगोनियम की स्ट्रक्चर इस तरह से होगी, एंथ्रीडियम आप देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है, लोअर साइड पे आ गया. देन यहाँ पर ओप्लाज्म बनेगा, ये न्यूक्लियस अंदर जाएगा, ठीक है. अंदर जाने के बाद यहाँ पर फ्यूजन करेंगे फीमेल न्यूक्लियस एंड मेल न्यूक्लियस, और यहाँ पर ओस्पोर का फॉर्मेशन कर लेंगे 2N, ठीक है, मतलब एक मेल न्यूक्लियस गया एक फीमेल न्यूक्लियस गया. देन जर्म ट्यूब निकलेगी और जर्म ट्यूब ये देखिए फॉर्मेशन करेगी यहाँ पर स्पोरेंजियम का, ठीक है, और जिससे मैच्योर होने के बाद लिबरेटेड होंगे जूस्पोर, ठीक है. तो डियर क्या होगा, सभी के सभी जो न्यूक्लियस हैं अलोंग विथ सम साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के जरिए मतलब उसकी हेल्प से मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस करेंगे, बायोफ्लैजिलेट होंगे, किडनी शेप जूस्पोर का फॉर्मेशन करेंगे, और जो जूस्पोर है आफ्टर रिलीज फ्रॉम द जूस्पोरेंजियम यानी जूस्पोरेंजियम के रिलीजन के बाद वो मोटाइल रह जाएंगे, मतलब उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, तो मोटाइल होंगे कुछ टाइम के लिए, सम टाइम के लिए. अब वो किसी सुइटेबल होस्ट के कॉन्टैक्ट में आने के बाद ऑन कॉन्टैक्ट विद सुइटेबल होस्ट ये जो है ये विकम करेंगे यानी हो जाएंगे इंसेस्टेड, देन जर्मिनेट करेंगे और फॉर्म करेंगे न्यू माइसीलियम को अगेन, ओके. तो डियर अब हम देख लेते हैं कि फाइटोप्थोरा जो फंगाई है इसे हम चाहें तो कंट्रोल कैसे कर सकते हैं. तो मोस्टली क्या है, कल्टीवेशन ऑफ रेसिस्टेंट वेराइटीज़, जो रेसिस्टेंट वेराइटीज़ हैं उनका कल्टीवेशन करना चाहिए, स्प्रे करना चाहिए जो फंगीसाइड्स होते हैं लाइक बोरेडॉक्स मिक्सचर होता है उसका एक तरह से हमें स्प्रे करना चाहिए, जो क्रॉप्स वगैरह हैं डिस्ट्रक्शन करना चाहिए, जो इन्फेक्टेड फोलिएज हैं उनमें स्प्रे करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड का या कॉपर सल्फेट का या डाइएथेन का या फाइटोलैन का, तो उससे भी काफ़ी हमें फ़ायदा हो सकता है. अगर हम स्प्रे करेंगे तो क्या होगा, हम काफ़ी डिसीज से बच जाएंगे, यानी जो हमारी क्रॉप है उनका एक तरह से डिस्ट्रॉय जो है इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंस अच्छा होने लगेगा, कम डिस्ट्रॉय हुआ करेंगे. सीड ट्यूबर जो है वो ऑब्टेंड होते हैं एरिया से जहाँ पे डिसीज जो है वो नहीं अकर होती, यानी सीड ट्यूबर कहाँ से निकलते हैं, जहाँ पर डिसीज कम कॉज हो. तो ट्यूबर जो है वो कवर्ड होते हैं थिक लेयर से, सॉइल से, ठीक है, ये जो है अवॉइड करते हैं स्पोर को उनके कांटेक्ट में आने के लिए, ठीक है. तो एक तरह से
एक तरह का अच्छा गुड ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, मेंटेन्ड होना चाहिए, गुड ड्रेनेज सिस्टम शुड बी मेंटेन्ड। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आपको बताए, तो आपको ये अपने दिमाग में रखने हैं, माइंड में रखने हैं, ताकि आपके लिए ये अच्छा रहे। और आप कभी अगर क्रॉप फॉर्मेशन करते हैं तो आपको फाइटोप्थोरा के बारे में भी पता हो। ओके, तो डियर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं जो भी टॉपिक आपके सिलेबस से रिलेटेड अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी अच्छा हो और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।